वहीं राजनांदगांव के एक होटल में रेड के दौरान पुलिस ने तीन संदिग्ध जोड़ों को पकड़ा है, लेकिन उनके खिलाफ महज प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, इसलिए पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की वजह से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आईडी लड़के लोग दिए थे सर, और एक लड़की भी दिया था। दे देते हैं रूम, आईडी देता है तो अब वो क्या करते हैं क्या नहीं है पता नहीं है हमको। पुलिस वाले आए थे तो ले गए थे, मेरे को भी ले गए थे। तो उसके बाद समझाइश दे करके छोड़ा है कि ऐसा ऐसा नहीं होगा, होना चाहिए करके। हमको सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ आके रुके हैं, हमारी टीम वहाँ जाके रेड की, तो उसमें तीन लड़के और तीन लड़कियाँ मिली थी, जिनको हमने पूरा थाने में लाकर उनको पूछताछ किया गया। गलत नाम पता बताने पर जो तीन लड़के तीन चार लड़के थे, यशवंत कुमार, रवि तोमर, जैनम बैद और दुशासन, उनके खिलाफ हमने धारा 109 CRPC के तहत कार्रवाई किया है।